हेलो फ्रेंड्स, आपका दोबारा बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल मिशन नौकरी में। फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि आरआरबी एनटीपीसी की जो वैकेंसी आई है उसकी हम तैयारी करा रहे हैं और मेरे कई टॉपिक्स तैयार हो चुके हैं जो कि मेरे प्लेलिस्ट में दिए हुए हैं, आप जानते ही हैं। और इंडियन पॉलिटी की फ्रेंड्स हमारी सीरीज चल रही है, 3 पार्ट मेरे इंडियन पॉलिटी के आ चुके हैं। आज मेरा 4th पार्ट है, प्रियम्बल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है प्रियम्बल के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ते हैं प्रियम्बल के बारे में। ओके फ्रेंड्स, प्रियम्बल, आखिर प्रियम्बल के बारे में पढ़ते हैं। प्रियम्बल कहाँ से लिया गया फ्रेंड्स? प्रियम्बल लिया गया हमारे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। काफ़ी एग्जाम में यही पूछ लिया जाता है और मैंने आपको बताया था जब सोर्सेज पढ़ा रहा था, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पहले चैप्टर में, तो उससे मैं बताया था कि प्रियम्बल को कहाँ से लिया गया है। US कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। प्रियम्बल का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्रियम्बल का मतलब होता है इंट्रोडक्शन और प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जो हमारा संविधान है उसका जो इंट्रोडक्शन है ना, उसी को हम लोग प्रियम्बल कहते हैं। कभी आपने कोई किताब खोली है फ्रेंड्स, कभी भी कोई किताब खोली है आप, उसके सबसे जब शुरू में पढ़ते हो तो एक आता है वो प्रीफेस बन के, है ना। प्रीफेस में क्या होता है, जितनी भी बुक में जो चीज़ें लिखी गई हैं, है ना, उसको समराइज करके उसका निचोड़ जो होता है वो प्रीफेस में लिखा होता है कि इस बुक में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। उसी तरीके से पूरे संविधान का जो निचोड़ है ना, वो सब हमारे प्रियम्बल में दिया हुआ है। इसलिए प्रियम्बल का बहुत ही बड़ा महत्व है। एक एनके पलकीवाला थे, एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, इन्होंने प्रियम्बल को कहा था आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का परिचय पत्र। ओके फ्रेंड्स, इट इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मोड बाई पंडित नेहरू इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जब मैं आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बता रहा था दोस्तों, तो उसमें मैं बताया था कि पंडित नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था संविधानी सभा में। तो संविधान सभा में जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया था, बेसिकली जो आज का हमारा प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, प्रस्तावना को जो है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे ही बेस्ड होता है। डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए जो हमारा जो संविधान फ्रेंड्स एडॉप्ट किया गया था, अपनाया गया था, वो अपनाने की तारीख जो है वो 26 नवंबर 1949 है। और वो कहाँ पे लिखी हुई है? वो हमारे प्रियम्बल में लिखी हुई है। लेकिन आप कहेंगे सर, लेकिन 26 जनवरी को हमारा संविधान तो लागू हुआ। देखिए फ्रेंड्स, लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, लेकिन अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। लागू क्यों किया गया 26 जनवरी 1950 को, मैं इससे पहले वीडियोज में आपको बता दिया था। ओके फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा संविधान है, कैसे डेकोरेट किया है, ये सब बताया था मैंने अभी, कौन डेकोरेट किया है हमारे संविधान को, किसने लिखा है हैंडराइटिंग में। देखिए हमारा संविधान का जो प्रियम्बल है वो कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम देश के लोग। उसमें 5 वर्ड इंपॉर्टेंट है कि सोवेरियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये 5 चीज़ें हमारे देश को माना गया है कि हमारा देश का जो नेचर है, हमारे देश का जो वो है नेचर, उसका कैसा है। हमारा देश सोवेरियन है, हमारा देश सोशलिस्ट है, हमारा देश सेक्युलर है, धर्मनिरपेक्ष है, हमारा देश डेमोक्रेटिक है, मध्य गणतंत्र है ना, हमारा देश रिपब्लिक है। ओके फ्रेंड्स, तो इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, सोवेरियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ये क्या होता है। उसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे कि जस्टिस क्या, जस्टिस के बारे में कहा गया है, लिबर्टी के बारे में, आज़ादी के बारे में, इक्वलिटी के बारे में, समानता के बारे में और फ्रेटर्निटी के बारे में। फ्रेटर्निटी क्या होता है? बेसिकली भाईचारा या ब्रदरहुड होता है। ओके फ्रेंड्स, और जो देखिए डेट जो दी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन के एडॉप्शन की, 26 नवंबर 1949, ये जो डेट दी गई है हमारे संविधान को अडॉप्ट करने की, ये किसमें दी हुई? प्रियम्बल में दी हुई। काफ़ी एग्जाम पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड देख लेते हैं। सोवेरियन, जो हमारे संविधान में सोवेरियन वर्ड दिया हुआ है, इसका क्या मतलब होता है? देखिए सोवेरियन मतलब जो है, मैं काफ़ी बार आपको बता चुका हूँ, इससे जो 3 वीडियोज आए हैं उसमें काफ़ी मैं बता चुका हूँ सोवेरियन का क्या मतलब होता है। इट मीन्स इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट स्टेट एंड इट इज फ्री एंड नो कंट्रोल ऑफ एनी आउटसाइड कंट्री ओवर इंडिया ऑन एनी थिंग इन साइड ऑफ आवर कंट्री। बेसिकली क्या है, टफ लैंग्वेज नहीं, बिल्कुल सिंपल लेमैन में समझिए कि सोवेरियन मतलब ये होता है, अगर इंडिया सोवेरियन है इसका मतलब इंडिया आज़ाद है और इंडिया पे किसी भी बाहरी कंट्री का कोई भी जोर नहीं है, इसके आंतरिक मामले में कोई भी बाहरी कंट्री हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ओके फ्रेंड्स, सोशलिस्ट का क्या मतलब होता है? देखिए सोशलिस्ट जो वर्ड है वो हमारे जो प्रियम्बल को एक, ध्यान रखिएगा, हमारे प्रियम्बल को एक बार संशोधित किया गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 में। मैंने आपको बताया था पहले कि 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत ढेर सारे संशोधन हुए थे। तो 42वें संविधान संशोधन में दोस्तों सोशलिस्ट वर्ड जोड़ा गया था।
इंडिया जो है सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। बेसिकली इस वर्ड का मतलब यह है कि इंडिया हमारा एक सोशलिज्म में है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में है। इसका मतलब यह है कि हमारे देश में मिक्स इकोनॉमी चलती है। आप गौर करेंगे कि हमारे देश में कोई भी सेक्टर होता है वो पूरी तरह से मतलब उसमें प्राइवेट सेक्टर भी है, पब्लिक सेक्टर भी है। आप देखिए सिंपल से ज़्यादा समझिए, जैसे बिजली जनरेट होती है तो बिजली जो जनरेट हो रही है वो सरकारी कंपनियाँ भी कर रही हैं और प्राइवेट कंपनियाँ भी कर रही हैं। आप सिंपल से बात समझिए, मोबाइल आप चला रहे हो है ना, मोबाइल में देखिए BSNL क्या है, एक सरकारी कंपनी, उसी के साथ साथ एयरटेल, जियो, रिलायंस, ये सब क्या है, प्राइवेट कंपनी है। तो साथ साथ सब वर्क कर रहे हैं। तो ये है हमारा सोशलिस्ट। ओके फ्रेंड्स, हमारा देश सेक्युलर भी है दोस्तों, ये भी एक वर्ड है प्रियम्बल में। सेक्युलर मतलब धर्म निरपेक्ष है। ये भी जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। लेकिन दोस्तों ये चीज़ जोड़ा तो गया था 42वें संविधान संशोधन में, लेकिन आप अगर आप गौर करेंगे जो हमारे देश का संविधान का आर्टिकल अनुच्छेद 25 से 28 है, जो कि हमारे मूल अधिकारों को बताता है, फंडामेंटल राइट्स को बताता है, उसमें उसने कहा था कि फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हमें अपने धर्म को मनाने की आज़ादी है। मतलब यहाँ से ये निकल रहा है कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। लेकिन बाद में बस एक वर्ड जोड़ दिया गया था 42वें संविधान संशोधन में, हमारे प्रीएम्बल में सेक्युलर। ओके फ्रेंड्स, अब आता है डेमोक्रेटिक। हमारा देश डेमोक्रेटिक कहते हैं, हमारा देश डेमोक्रेटिक है, हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, हमें अपने बोलने की आज़ादी है। बेसिकली डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, आप समझिए तो डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है इट मीन्स रूल बाय द पीपल, लोग ही चला रहे हैं, लोग ही रूल कर रहे हैं। बेसिकली आप ये गौर करेंगे कि हमारी सरकार जो मोदी साहब बैठे हुए हैं या फिर कोई भी मिनिस्टर बैठा हुआ है, क्या वो राज कर रहे हैं? नहीं दोस्तों, राज आप कर रहे हो, राज मैं कर रहा हूँ, राज ये इंडिया की पीपल कर रही है, इंडिया पे हम गवर्नमेंट चला रहे हैं। बेसिकली अब हमारे संविधान में डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। मतलब क्या है कि हम ही ने तो कुछ लोगों को चुना है, हम ही ने कुछ लोगों को चुना है, और वो जो बंदे हैं, वो जो हमारे लीडर हैं, वो चुन के लोकसभा राज्यसभा में जाके बैठे हुए हैं और सरकार चला रहे हैं। किसके बिहाफ पे? हमारे बिहाफ पे, है ना। वो जो पैसा खर्च कर रहे हैं वो किसके बिहाफ पे खर्च कर रहे हैं? वो हमारे बिहाफ पे खर्च कर रहे हैं, है ना। तो हम ही ने उनको चुना है, हमारे स्थान पे जाके वो लोग वहां काम कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, आप ये सोचिए 500 सीट हैं लोकसभा में, और राज तो पूरे देश को करना है, तो पूरे देश तो कर नहीं पाएगा, इसीलिए वोटिंग हुई ताकि कुछ लोग उसमें चुने जाएं और वो चुने हुए लोग देश की जनता के बिहाफ पे इंडिया का गवर्नमेंट चलाएं। ओके फ्रेंड्स, गवर्नमेंट कौन चलाता है? वी, हम चलाते हैं, पीपल ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट किसकी है? अगर आपसे पूछे गवर्नमेंट किसकी है, गवर्नमेंट हमारी है फ्रेंड्स, पीपल ऑफ इंडिया हमारी गवर्नमेंट है, क्योंकि हम ही ने उसको भेजा है। ओके फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा, इसी का मतलब होता है डेमोक्रेटिक। इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। मतलब क्या है कि जिनको हम अपने लीडर बना के वहां पर ले गए हैं, वो लोग किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं? लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं, लोकसभा और राज्यसभा में बैठ के काम करते हैं, और वहीं जो भी उनके काम होते हैं वो उसके लिए उनकी जवाबदेही होती कहां पर होती है? लोकसभा राज्यसभा में होती है। कोई भी क्वेश्चन देखिए उठता है, कहां होता है? लोकसभा राज्यसभा में होता है। क्यों? क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं? लोकसभा राज्यसभा के लिए होते हैं। हमारा देश रिपब्लिक है। आप मनाते हो ना रिपब्लिक डे। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? गणतंत्र का मतलब यह होता है कि जो हमारा हेड है, हमारे बताइए हेड कौन है? हमारा हेड प्रेसिडेंट है। हमारा हेड चुना गया है दोस्तों, इलेक्शन के जरिए वो वहां पहुंचा है। चाहे हमारा बेसिकली हमारा जो इंडिया में जो प्रेसिडेंट साहब हैं, वो उनका इलेक्शन डायरेक्ट नहीं होता है, इनडायरेक्ट होता है। बेसिकली क्या होता है कि हम डायरेक्ट इलेक्शन पीएम वगैरह का होता है। जब पीएम लोग वहां बैठ जाते हैं और जो सीएम लोग यहां पर बैठे होते हैं हमारे विधानसभा में, तो ये लोग फिर मिलके प्रेसिडेंट को चुनते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो होता है वो इनडायरेक्टली होता है। रिपब्लिक का मतलब होता है इट मींस द हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड। हेड ऑफ स्टेट क्या है? इलेक्टेड है, चुना गया है, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो। हमने अपने प्रेसिडेंट को भी चुना है लेकिन वो इनडायरेक्टली है। मोनार्की का मतलब ये होता है कि जो हेड है वो इसको चुना नहीं है, वो एक राजा है, उसी की पुश्त जो है 12 बैठ के जो है वहां पर राज कर रही है। जैसे ब्रिटेन, देखिए ब्रिटेन में रिपब्लिक नहीं, ब्रिटेन में मोनार्की है। ओके फ्रेंड्स, सऊदी अरब में क्या है? किंग है, वहां मोनार्की है, वहां कोई चुना, वहां का जो किंग है वो चुनता, कोई इलेक्शन नहीं होता है ऐसा, वो वहां के राजा उनके बेटे ही बनते हैं। आप देखिए जस्टिस, हमारे देश में हमारे प्रीएम्बल में जस्टिस की बात की है। जस्टिस तीन चीज़ के बारे में कही गई, हमें सोशल जस्टिस मिल रहा है, हमें इकोनॉमिकल जस्टिस भी मिल रहा है, हमें पॉलिटिकल जस्टिस भी मिल रहा है। सामाजिक न्याय क्या होता है? जस्टिस मतलब न्याय होता है फ्रेंड्स। सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय मतलब ये होता है कि हमें मुझे जो है कोई धर्म के आधार पे, मेरे नाम के आधार पे, है ना, मेरे रेस के आधार पे मुझे कोई कहीं से भी मुझे बर्खास्त नहीं कर सकता, मुझे कोई भी जो है मतलब कि वंचित नहीं
नहीं रह सकता, मेरे धर्म के हिसाब से, मेरे जो है मेरे रेस के आधार पे, उसे कहते हैं धार्मिक आज़ादी। इकोनॉमिकल आज़ादी क्या है कि दोस्तों, क्या चाहे मैं गरीब हूँ चाहे मैं अमीर हूँ, मुझे कोई किसी काम से वंचित नहीं कर सकता। आप सोचिए इकोनॉमिकल, जैसे एग्जाम्पल बताइए वोटिंग, वोटिंग में देखिए चाहे वो अमीर आदमी हो चाहे वो गरीब आदमी हो, दोस्तों वोटिंग करता है। इसका मतलब यह है कि हमारे देश में इकोनॉमिकल जस्टिस भी है। पॉलिटिकल जस्टिस का क्या मतलब होता है कि हम चाहे जो हों, है ना, हमें गवर्नमेंट में बोलने की आज़ादी, हमारी आवाज़ जो है वो हमें बोलने की मतलब की अनुमति देती है। ओके फ्रेंड, हमारा संविधान हमें बोलने की अनुमति देता है। जस्टिस का आइडिया दोस्तों रशियन रिवोल्यूशन से लिया गया था। दोस्तों ध्यान रखिएगा, 1917 में रशियन रिवोल्यूशन हुआ था, उसी से जस्टिस का आइडिया लिया गया है। लिबर्टी मतलब होता है आज़ादी। देखिए फ्रेंड्स, हमारे प्रियम्बल में लिबर्टी किसके बारे में, आईएएस में क्वेश्चन आया लिबर्टी किस किस बारे में है, लिबर्टी ऑफ थॉट, सॉरी थॉट हो गया, सोचने की आज़ादी, एक्सप्रेशन, है ना, एक्सप्रेशन की आज़ादी, बिलीफ की आज़ादी, फेथ की आज़ादी और वर्शिप की आज़ादी, पूजा की आज़ादी। मतलब हमें इन सब की आज़ादी मिलनी चाहिए। हम चाहे जिस धर्म के हों, हमें जो है वर्शिप करने की आज़ादी है, चाहे हम हिंदू हों चाहे मुसलमान चाहे सिख या ईसाई। हमें सोचने की आज़ादी है, है ना, हमें किसी पर विश्वास रखने की आज़ादी है, हमें अपने भाव को स्पष्ट करने की आज़ादी है। ओके फ्रेंड्स, लिबर्टी जो है फ्रेंड्स वो लिया गया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ध्यान रखिएगा। लेकिन लिबर्टी इन्जॉय करता है हमारे, हमें जो है हमारा संविधान लिबर्टी की इन्जॉयमेंट देता है, लेकिन वो जो हमें लिबर्टी जो मिलती है वो फंडामेंटल राइट्स के जरिए मिलती है। हमारा मूल अधिकार है भाई, लिबर्टी में आता है अभी जब पढ़ाएंगे फंडामेंटल राइट्स। लेकिन वो ऐसा नहीं कि वो एब्सोल्यूट है कि आपको मिल ही जाएगा, वो उसमें कुछ लिमिटेशंस भी है फ्रेंड्स। अब मैं बताऊंगा जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ता हूं कि फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो एब्सोल्यूट होते हैं, एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, उनमें कुछ लिमिटेशंस वगैरह होती हैं। हमें समानता भी है, इक्वलिटी है, है ना, हमें हर चीज़ की बराबरी मिली हुई है। और इक्वलिटी जो है ये बेसिकली जो वर्ल्ड प्रीएम्बल में इस्तेमाल हुआ है, इसको आप देख सकते हैं संविधान में बहुत सी चीज़ें हैं जो बताती हैं कि हाँ हमारा देश में इक्वलिटी है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लिखा हूँ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, हर आदमी लॉ के सामने इक्वल है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। आर्टिकल नंबर 14, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। हमें जो है कोई किसी से वंचित नहीं कर सकता, चाहे किसी के, चाहे धर्म के ग्राउंड पे, हमारे रेस के आधार पे, हमारी जाति के आधार पे, हमारे सेक्स मेल या फीमेल के आधार पे, हमारे बर्थ प्लेस के आधार पे, हमें कोई भी कहीं से वंचित नहीं कर सकता। ये आर्टिकल नंबर 15 में दिया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, जैसे कुछ लोग दोस्तों होता है महाराष्ट्र के लोग, बुरा मत मानेगा अगर कोई महाराष्ट्र का है, जैसे महाराष्ट्र के लोग क्या करते हैं कि यूपी और बिहार वालों को गलत समझते हैं, ऐसा नहीं है। हमारा संविधान, चाहे हम चाहे जहां पैदा हुए हैं, हमारा बर्थ और प्लेस कहीं भी है, हमें कोई भी डिस्क्रिमिनेट कहीं से भी नहीं कर सकता। ओके फ्रेंड्स, हमें पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वलिटी है, हम आर्टिकल नंबर 16 में दिया हुआ है। एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब अनटचेबिलिटी है सॉरी, ये मतलब कि छुआछूत से भी इसको खत्म करने की बात हुई थी आर्टिकल नंबर 17 में। और जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ओके फ्रेंड्स, उसके आर्टिकल नंबर 39 में ये भी दिया हुआ है कि हमें वुमेन और मैन चाहे जो हों उनको इक्वल राइट्स है, और अगर कोई दो लोग काम इक्वल कर रहे हैं तो उनको इक्वल पे भी मिलेगा। तो बेसिकली ये सब क्या है दोस्तों, मैं एग्जाम्पल हैं, इस बाद में आएंगे, बस मैं आपको बता दिया था कि इन एग्जाम्पल से प्रतीत होता है कि हमारा देश में संविधान में इक्वलिटी का वर्ड यूज़ हुआ है और इक्वलिटी है। ओके फ्रेंड्स, फ्रेटर्निटी क्या होता है, इसका मतलब होता है सेंस ऑफ ब्रदरहुड, हम मतलब कि भाईचारे की फीलिंग। और बेसिकली भाईचारे की फीलिंग हम इस बात से समझ सकते हैं कि हमारे संविधान में दोस्तों सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता है। अगर सोचिए हम चाहे महाराष्ट्र के हों चाहे यूपी के हों चाहे बिहार, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर कहीं के भी हों, हमारा जो है हमारे अंदर सिंगल सिटीजनशिप है। वी आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, नॉट वी आर द सिटीजन्स ऑफ एनी स्टेट। हम किसी राज्य के नागरिक नहीं है, हम इंडिया के नागरिक हैं। हम चाहे महाराष्ट्र जाएँ चाहे तमिलनाडु जाएँ, हमें कोई भी कहीं से वंचित नहीं कर सकता। और इसका मतलब ये ब्रदरहुड भाई, हम महाराष्ट्र वाला हो चाहे यूपी वाला हो, सब भाई हैं क्योंकि हम इंडिया के सिटीजन हैं। ओके फ्रेंड्स, ये वर्ड भी दोस्तों 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, ध्यान रखिएगा। और प्रीएम्बल में जो है जो बेसिकली फ्रेटर्निटी का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, इसमें डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल और यूनिटी एंड इंटीग्रेशन ऑफ नेशन का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखिए ये फ्रेटर्निटी इंश्योरिंग डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, मतलब किसी एक आदमी की उसकी डिग्निटी, उसकी मतलब कि उसकी क्या कह सकते हैं हिंदी में उसे, मतलब उसका एक वो है, उसका मोरल है, उसका बेसिकली और कहीं भी चाहे उसकी डिग्निटी समझते हैं, मैं वर्ड हिंदी का नहीं समझ आ रहा है। और नेशन उसकी जो हमारा देश है उसकी यूनिटी और इंटीग्रेशन का भी फ्रेटर्निटी में इंश्योर किया है कि ये इंश्योर करेगा। ओके फ्रेंड्स, तो जो क्वेश्चन आता है 42वें संविधान संशोधन में सेक्युलर वर्ड जोड़ा गया था, उसको ध्यान रखिएगा, सोशलिस्ट वर्ड जोड़ा गया, ओके सोशल सेक्युलरिस्ट है ना, और फ्रेटर्निटी वर्ड जोड़ा गया फ्रेंड्स। ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा कि ये सब चीज़ें वर्ड जो है इसमें जोड़े गए थे। ओके फ्रेंड्स,
इम्पॉर्टेंट सेंग देख लीजिए, के एम मुंशी साहब ने कहा था कि जो हमारा प्रियम्बल है वो हॉरोस्कोप है, हमारे सोवेरियन डिप्लोमेटिक रिपब्लिक का हॉरोस्कोप है। ओके फ्रेंड्स, पंडित ठाकुरदास भार्गव ने कहा था प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का मोस्ट स्पेशियस पार्ट है, प्रियम्बल इज द मोस्ट प्रीशियस पार्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान की आत्मा है दोस्तों, और ये संविधान की चाबी है, क्योंकि बिना चाबी के कोई भी ताला खुलता नहीं है। तो जब तक प्रियम्बल नहीं पढ़ेंगे आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते। और सर अर्नेस्ट बार्कर जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट वो थे, ज्यूरिस्ट थे, ये कहते एक्सपर्ट थे, इन्होंने कहा था प्रियम्बल को की नोट कहा था, सबसे इम्पॉर्टेंट नोट जो है संविधान का वो क्या इन्होंने कहा था उसको प्रियम्बल को। ओके फ्रेंड्स, कुछ और इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, जैसे कि एक बेरू प्रियम्बल जो है वो संविधान का भाग है कि नहीं है, ये बहुत चर्चा रही है और काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, एक बेरूबेरी यूनियन केस आया था दोस्तों 1960 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रियम्बल जो है संविधान का भाग नहीं है। ओके फ्रेंड्स, 1960 में। उसके बाद फिर केशवनाथ भारती केस आया 1973 में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल जो है वो संविधान का भाग है। और फिर LIC ऑफ इंडिया केस आया 1995 में, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल जो है वो संविधान का भाग नहीं बल्कि इंटीग्रल पार्ट है, मतलब कि इसको इससे हटाया नहीं जा सकता, और प्रियम्बल जस्टिशियेबल नहीं है, मतलब प्रियम्बल के किसी एक भाग को लेके आप कोर्ट के सामने नहीं जा सकते कि साहब ये चीज़ गलत है। ओके फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा, प्रियम्बल पार्ट है कि नहीं पार्ट है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट था कि देखिए प्रियम्बल, यहाँ तक बात हुई थी कि प्रियम्बल पार्ट नहीं है, तो देखिए संविधान का संशोधन कर सकते हैं हम आर्टिकल नंबर 368 जो है वह संविधान के संशोधन से संबंधित है, लेकिन संविधान का संशोधन करोगे ना, अगर कोई संविधान का भाग ही नहीं होगा तो संशोधन कैसे करोगे। तो प्रियम्बल तो पहले ही बात थी कि प्रियम्बल संविधान का भाग ही नहीं है तो संशोधन नहीं हो पाया। उसके बाद जब केशवनाथ भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं भाई साहब प्रियम्बल जो है संविधान का भाग है, इसीलिए 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था फिर उसका संशोधन हो पाया। इसीलिए जो है प्रियम्बल का अमेंडमेंट हम कर सकते हैं आर्टिकल नंबर 368 से, क्योंकि प्रियम्बल जो है वो संविधान का एक भाग है, संविधान का एक पार्ट है। लेकिन ध्यान रखिएगा, संविधान का संशोधन कर सकते हैं लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बता सकते। इसका मतलब नहीं समझ में आएगा आपको, मैं बताता हूँ। जैसे कोई घर है, सपोज करो घर में आप किसी कमरे की पुताई करवा दो, किसी कमरे में पुट्टी लगवा दो, उसको अच्छा कर दो, उसकी पेंटिंग करवा दो, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते आप उस कमरे को तोड़ के उस जगह कहीं और उसको शिफ्ट कर दो, वो हुआ बेसिक स्ट्रक्चर को बदलना। तो संविधान के संशोधन तो कर सकते हैं आप, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर को आप बदल नहीं सकते। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। बहुत छोटा था प्रियम्बल, इसके बाद हम लोग अगली सीरीज आएगी, तो जल्दी जल्दी हम लोग सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं ताकि आपको रिवीजन का अच्छा मौका मिले। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।